है दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुरिल। मैं SKGT में पढ़ता हूँ। SKGT is an ideal place to satisfy your curiosity. SKGT में 11th, 12th commerce, FYBCom, SYBCom, DYBCom, MCom 1, MCom 2 और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को 5th से लेकर 10th तक पढ़ाते हैं। अगर आप परेशान हो तो डरिए मत, मैं आपको सिखाऊंगा SKGT में। आज का टॉपिक है मैथ्स PS 12 स्टैंडर्ड 6 और मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। हम लोग अभी एग्जाम्पल सम कर रहे हैं, तो पहले देखो क्या दिया हुआ है। पहले कितना बॉक्स दिया देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बॉक्स है। तो नीचे देखो इधर क्या लिखा है, 5। नीचे वाला आंसर जो है वो 5 है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या लिखा है, 3। तो देखो 5 में से 3, तो 1 2 3, तो ये ऊपर वाला 3 है। इतना तो समझ में आ गया रहेगा अभी ये कैसा लिया है और कैसा नहीं दिया है, ठीक है। इसके बाद में क्या हो रहा है, 1 और हाफ, है ना, 1/2 तुमको बोला कि मल्टीप्लाई करने के लिए। तो एक्चुअल में इसका हाफ 3/5 का, ये 3/5 है ये बॉक्स, इसका हाफ। तो हाफ बोलते जैसे बीच में से लाइन काटेगा ना सीधा। तो अभी करना कैसा है वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो ड्रॉ अ, क्या बोल रहा है इधर, ड्रॉ अ लाइन डिवाइडेड रेक्टेंगल इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो ये 5 इक्वल पार्ट्स में ये कर दिया, शेडेड शो एंड 3/5। तो बताया कि 3/5 क्या है ना, ये 3, ये 5 है, ये टोटल इसके अंदर 3 है, ठीक है। तो हाफ हम लोग ने ड्रॉइंग किया हॉरिजॉन्टल डिवाइडेड स्ट्रिप। तो हम लोग को ड्रॉ करना था ऐसा, फटाफट कर देते, लाइन बीच में बन गया। अभी क्या बोल रहा है, यू कुछ नहीं है, वो नंबर है, मतलब ये स्टार है। तो 1 पकड़ लो या कुछ भी डॉट पकड़ लो, ये एस्ट्रिक वैसा साइन है, ठीक है। तो ये कुछ है नहीं। शेड 1 और 2 हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ डिफरेंट वे व्हेन यू डिवाइड स्ट्रिप टू इक्वल पार्ट। मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, हम लोग को ये डिवाइड करना है इक्वल पार्ट में, ठीक है। तो 3/5 मेरे को दिया है, 3/5, ठीक है। उसको डिवाइड करना है 2 हिस्सों में। तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हाफ तो दिया हुआ है। तो कैलकुलेशन कैसा करेंगे, तो देखो 5 है, 5 को अगर डिवाइड करते कितने हिस्से में आएगा, 10। अगर मेरे पास है 5 है, 5 को 2 हिस्से में डिवाइड किया मतलब मल्टीप्लाई 2 किया, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना। तो 10 बॉक्सेस हो जाएंगे। अभी देखो ना इधर कितने बॉक्स है टोटल, ऊपर कितने बॉक्स है, 5। अगर मैं इसको बीच में से काटता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, बोलो। अगर मैं ये बॉक्स को ऐसा बीच में से काटता हूँ, है ना, 10 बॉक्स है, 5 बॉक्स है, उसको बीच में से काटता हूँ तो कितने हो जाएंगे टोटल बॉक्स, बोलो। सर थोड़ा बड़ा कर लो। हाँ ठीक है, वही इसलिए तो पूछ रहा था कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। रुको एक मिनट, इसको थोड़ा लार्जर कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये 10. हाँ, तो इसको हाँ 10 हो जाएगा ना। तो वही बोल रहा हूँ मैं, तो इधर वही लिखा है, तो 10 इक्वल बॉक्सेस करके आ गया इधर, ठीक है। उसका 2 अगर हिस्सों में डिवाइड किया तो टेक अ 1 पार्ट कंसीडर शेडेड ट्वाइस, ठीक है। वी हैव 10 इक्वल बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस है, 10। उसमें से 3 बॉक्सेस हैज बीन शेडेड। 3 बॉक्सेस शेडेड मतलब कौन से हैं, जो 3/5 है ना, उसकी बात कर रहा है ना, ये इसकी बात कर रहा है 3/5 की। तो 3 वाला जो शेडेड है वो वाला है, 30 ट्वाइस बॉक्सेस। तो उसको सॉल्व किया तो कितना आएगा, 3/10। कैसे आया 3/10, देखो 3/5 मल्टीप्लाई विथ 1/2, तो कितना आंसर है, 3/10। क्योंकि हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, बेस मल्टीप्लाई होता है ना। तो 5×2 से क्या आएगा, 10। 5×2 से क्या आएगा, 10। और ऊपर 3 1 जाए तो 1 ही आएगा, है ना। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ। तो देखो अभी कैसा लिख रहा हूँ, तो देखो अभी इधर 3 है, हाँ इधर 5 है, अभी बीच में क्या है मेरे को मल्टीप्लाई का सिंबल है, ठीक है। अभी फिर से मैं ये ले रहा हूँ, तो देखो इधर कितना आएगा, ऊपर ऊपर 1 और नीचे 2। तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया, ये दिया है ना, मल्टीप्लाई करना। आवाज नहीं आ रही अभी, तो अभी देखो इसको अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, ऐसा बीच में अगर मल्टीप्लाई दिया है तो, हाँ बोलो, नहीं यार एक काम करो एग्जिट करके वापिस आओ, ठीक है सर। आप एग्जिट करके वापिस आओ, बाहर निकल के वापिस आओ। ठीक, आपका आवाज आ रही है मेरी? यस। अच्छा ठीक है, चलो इसको, उसका नेटवर्क का इशू आ रहा है, बारिश गिर रहा है ना इसके वजह से। तो अभी इधर देखो आगे क्या है, अभी ये समझ में आया सिद्धि? ये देखो ऐसा, देखो पहले ऐसा दिया हुआ था 3/5 इंटू 1/2, है ना। तो यही दिया है ना, यही क्वेश्चन लिया है, फिर इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। तो क्या आएगा, 3 इंटू 1 हो गया, 5 इंटू 2 हो गया। तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा ये। तो देखो ऊपर 3 1 से क्या आता है 3, 5 2 से नीचे क्या आएगा 10। तो ये काफी सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ आपको खाली ध्यान देना है कि क्या करना क्या है। हाँ ठीक है, वापिस करके बताता हूँ। चलो देखो अभी ध्यान दो, अभी समझो मेरा क्वेश्चन देखो ना, ऊपर ये कितना है 3 है ना, और ये कितना है 1/2 है। तो मैं यही लेता हूँ, चलो क्वेश्चन ही लेता हूँ। तो मैं क्वेश्चन इधर लिखा, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है अभी? हेलो, नहीं सर। हाँ अभी मैं सेम क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी करना क्या है मेरे को, इधर 3 है ना, इधर 3 इंटू 1 कर रहा हूँ। तो ऊपर क्या लिख रहा हूँ 3 इंटू 1 लिखा, नीचे बेस में क्या लिखूंगा 5 है नीचे, देखो इधर एक साइड में है ना, इधर 5 है और इधर क्या है 2 है। तो 5 इंटू 2, बस इतना सही करना है। तो आगे बचेगा क्या फिर मेरे पास, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा, अगर देखते हैं हम लोग मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आता है। तो 3 1 जा 3 और 5 2 जा 10, बस इतना ही तो है। और क्या है इसके अंदर, अभी बोलो, अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझा है ना, सिंपल है काफी, कुछ इतना खास नहीं है। बस खाली तुमको एक बार खाली ध्यान से देखना है तो तुमको समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है। अभी देखो वैसा ही सम है, सेम। थोड़ा पढ़ते हैं अपन, क्या अभी क्या बोल रहा है ये, ठीक है। पहले पढ़ लेते फिर बाद में इसको सॉल्व करते। चलो, मल्टीप्लाइंग 2 फ्रैक्शन न्यूमरेटर एंड दैट द डिनोमिनेटर इट्स, ठीक है। अभी क्या लिखा है, सलोचना बाई ओन 42 एकड़ लैंड, उसने 42 एकड़ का जमीन खरीदा है। क्या बोला, 42 एकड़ का एक जमीन, जमीन मतलब तो समझ में आता है ना। वो भी कौन सा लैंड, फार्म लैंड। फार्म लैंड मतलब क्या, जिधर वो खेती बाड़ी करते हैं ना, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। इफ शी प्लांटेड 27 लैंड, मतलब उसने जो झाड़ में पौधे लगाए या कुछ भी झाड़ लगाया, प्लांटेड मतलब उसको ये किया, जगह यूज किया उसने उसका, ठीक है। क्या लगाया उधर, गेहूं लगाया। क्या लगाया, गेहूं। बीट है ना, बीट क्या होता है बोलो, गेहूं। तो 27 हिस्सों में उसने लगाया। तो हाउ मेनी एकर शी प्लांटेड, अभी पूछ रहा है कि कितने एरिया में उसने प्लांटेड किया, ठीक है। मतलब जितना उसने जगह यूज किया है वही पूछ रहा है कि कितना उसने यूज किया है ना। तो हमको ढूंढना है आंसर। तो पहले क्या बोल रहा है, हमारे पास है क्या, गिवन, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन क्वेश्चन सॉल्व। जब हम लोग का ऐसा सम करना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट व्हाट, गिवन। हमारे पास है क्या, पहले वो लिखते, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, हमको ढूंढना क्या है, वी मस्ट फाइंड आउट 2/7 ऑफ 42 एकड़, बराबर ना। 2/7 अपॉन 42 एकड़ जमीन है, हम लोग ने वही लिखा है। अभी करना क्या है, ठीक है, सेम वही मेथड। हमारे पास क्या है, देखो इधर 2 नंबर दिख रहा है ना, वैसे ही सेम लिखना है इधर। तो 42 ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ। तो चलो देखो अभी कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। इधर गया हो थोड़ा, हाँ चलो देखो अभी मेरे पास पहला है क्या अवेलेबल, देखो 42, ठीक है ना, 42 इधर लिखा भी है और नीचे कुछ नहीं है तो क्या देंगे हम लोग 1, ठीक है। फिर इधर मल्टीप्लाई का सिंबल, फिर इधर मैं क्या दूंगा यही फॉर्मूला। अभी 2/7 ऊपर क्या है मेरे पास 2, नीचे क्या है मेरे पास 7। इसमें कुछ डाउट है क्या, अभी बोलो। हाँ दीदी नैतिक जल्दी बोलो, ये समझ में आया क्या, ये समझ में आएगा, आगे का समझ में आ जाएगा। हाँ तो अभी देखो क्या करना है, ध्यान से देखो। 42 इंटू 2 करेंगे और 1 इंटू 7 करेंगे, ठीक है। तो यही लेते हैं हम लोग 42 इंटू 2, ठीक है। और नीचे क्या आएगा 1 इंटू 7। इसमें कुछ डाउट है? नो। नैतिक आपको? नो। अच्छा ठीक है। तो अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें कि डायरेक्ट आंसर करें, बोलो जैसा बोलो आप करो। तो दो तरीके से कर सकते हैं। तो मैं स्प्लिट करता हूँ, मैं तुमको बताता हूँ मैंने क्या किया, ठीक है। मैं सेम यही लेता हूँ, तो ध्यान से देखो अभी क्या है। 7 के टेबल में 42 आता है क्या? बोलो, 7 के टेबल में 42 आता है? सिंपल क्वेश्चन, आई एम आस्किंग जस्ट। 7 के टेबल में 42 आता है क्या? हाँ नो, नहीं आता है। यस सर, 7 6 42। सिद्धि जी आप टेबल रिवाइज करो, आपको नहीं आ रहा है तो इधर क्या लिखेंगे 6 इंटू 7। तो अभी समझ में आया, ठीक है। तो अभी इतना समझ में आएगा कि मैंने 42 को क्या लिखा है इधर 6 इंटू 7। अभी दोनों जन को किसमें डाउट है, बोलो ये क्यों लिखा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको खाली मैंने क्या किया, टुकड़े किए, क्या किया मैंने, इसको स्प्लिट किया। तो इसमें कुछ डाउट है क्या, बोलो अभी। ये नहीं सर, ओके है, अच्छा है, समझ में आया, ऐसा कुछ है। बोलो अभी, चलो आगे वाले स्टेप पे जाते हैं। तो ध्यान दो अभी क्या कर रहा हूं मैं। 7 को मैंने क्या किया, कट कर दिया। क्या कर दिया, 7 को मैंने, ये 7 को मैंने कट कर दिया, दोनों 7 को मैंने क्या कर दिया, कट। तो मेरे पास बचा क्या, अभी बता सकते हो तुम लोग मेरे पास। सेवन कट हो गया, देखो नीचे का कुछ बचा नहीं, नीचे का गायब कर दो, ठीक है। ऊपर का क्या बचेगा, बोलो 6 है ना, और क्या बचेगा इंटू, और क्या बचेगा 2। तो 6 2 से कितना आता है, बोलो 12। इसमें कुछ डाउट है? नो। हाँ तो मेरा हम लोग का आंसर अभी देखो क्या लिखेगा, सुलोचना प्लांटेड, है ना, सुलोचना प्लांटेड वीट ऑन 12 एकर ऑफ लैंड, है ना। हमको पूछा तो वही है ना कि कितने एकड़ में उसने प्लांट किया, तो वही लिखेगा ना इधर। इसमें समझ में आ गया आप लोगों को, अभी दोनों को। इसमें भी कुछ डाउट है, जल्दी बोलो। बोलो हाँ क्या, बोलो नैतिक जी आपको समझ में आया? यस। अच्छी तरीके से? यस। हाँ तो चलो अभी हम लोग जा रहे हैं इधर। तो देखो अभी हमारे पास क्या क्या दिया है, क्वेश्चन चेक करने वाला टाइप ग्रुप में जाके। तो सिंपल सा में देखो ऐसा दिया हुआ है ना। तो इधर तो कुछ ऐसा अजीब ही दिख रहा है, तो हम लोग करते हैं कुछ, ठीक है। इधर डिवाइड का सिंबल दो कि वैसा ही लिखो, बोलो अपॉन वाला वैसा बोलो। क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तुम लोग, बता सकते हो मुझे आंसर क्या आएगा। अभी काफी सिंपल है। चलो बोथ ऑफ यू यू कैन ट्राई आल्सो एंड यू कैन सेंड मी द आंसर राइट नाउ। आर यू, क्या तुम कर सकते हो क्या नहीं मुझे बताओ, तो ट्राई करो उधर जल्दी, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट अरेंज कर देता हूँ। हाँ बोलो ना, बोलो बोलो जल्दी बोलो। 120 क्या? 7 फर्स्ट का आंसर बोल रहा हूँ। कहाँ तक निकाला आंसर तुम लोग ने, बताओ मेरे को। चेक करते जाओ और तुम लोग सॉल्व करते जाओ। जैसा अभी तक मैंने सॉल्व नहीं किया है, तुम लोग भी मेरे साथ में सॉल्व करना है। पहले एक बार मुझे तुम लोग अपना आंसर, मैं जब सॉल्व करते जाऊंगा मुझे बताते जाना कि बता रहा गोइंग राइट और रॉन्ग, ठीक है। तुम लोग मुझे सिखाओ, अभी तुम लोग को मैंने सिखाया ना एग्जाम, तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हारा राइट है कि मेरा रॉन्ग है, ठीक है। अभी एक लास्ट क्वेश्चन है बस, उधर पहुँच रहे फिर मैं चालू करता हूँ, ठीक है। आंसर सर बोलो ना। रॉन्ग जाएगा तो चलेगा? हाँ रॉन्ग जाएगा तो चलेगा, कोशिश तो करो। रॉन्ग जाएगा तो अच्छी बात है, कम से कम मैं सुधर सकता हूँ ना। अभी तुम एग्जाम में रॉन्ग करोगे तो थोड़ी चलने वाला है। इधर रॉन्ग करो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम में रॉन्ग नहीं होने चाहिए। चलो अभी फर्स्ट सम तुम लोग ने ट्राई किया रहेगा, आई थिंक सो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उधर, ठीक है। क्वेश्चन है मैं तुमको रिजॉइन करता हूँ, ठीक है? 5 मिनट दो, तुम लोग सॉल्व करो जब तक। चलो स्टार्ट करो। तो चलो ध्यान दो, अब ये देखो ये क्वेश्चन है, तो सेम वही लिखा है मैंने इधर। तो तुम लोग ने आंसर ट्राई किया रहेगा, तो मुझे बताओ आंसर क्या था इधर। सर हाँ 7/20। हाँ ऋतिक, तुम्हारा आंसर क्या है बोलो? 12/20। अभी देख मैंने लिखा है आंसर, तो ये राइट है। तो अभी मुझे आप बताओ तुम कहाँ डिफरेंस गलत हो गए। देख के बताओ कि तुम लोग कहाँ मिस आउट हो गए। डाउट है अभी? समझ में आया कैसे आया? हाँ हाँ ठीक है, ऐसे ही लिखो ना। नीतिक तुम भी बोलो। Yes. तो अभी तुम मुझे नेक्स्ट वाला आंसर बताओ। मैं यही इधर लिख रहा हूँ। चलिए बोलिए। पहला मैं इधर क्या लिखूंगा 6, ठीक है? मुझे आंसर बताओ। इधर क्या लिखूंगा नीचे 7, इधर क्या लिखूंगा क्वेश्चन का 2, और इधर क्या लिखूंगा 5, ठीक है? तो अभी आगे वाला लाइन बता सकते हैं मेरे को? इधर क्या लिखना है? इधर क्या लिखूंगा 6, इधर क्या लिखूंगा 2। सर दिख नहीं रही, छोटा छोटा दिखता है। अच्छा रुको, थोड़ा इसको लार्ज कर देता हूँ। अभी हाँ अभी नहीं दिख तुमको? चलो बोलो। तो इधर 6 और 2 था, तो इधर नीचे क्या लिखो अभी मैं? 7 और 5। तो अभी आंसर इधर क्या आएगा बोलो? ऊपर क्या लिखो इधर? 6 2 सा 7 5 सा 35। तो आंसर राइट है। तुम लोग का आंसर ऐसा आया था कि दूसरा कुछ आया था? नहीं यही था। अच्छा ठीक है। नैतिक तुम्हारा? यस सर यही। तो अभी चलो मेरे को थर्ड वाला आंसर तुम ही बोलो, मुझे बताओ कि क्या लिखना है, ठीक है? चलो बोलो अभी। इधर क्या लिखूं मैं? 6 के जगह पे क्या लिखूं? इधर 5 5। नीचे क्या लिखूं? 9 9, ठीक है 9 बराबर। इधर क्या लिखूं? 4 4। इधर क्या लिखूं? 9 5 सॉरी 9, ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान दो। अभी इधर क्या लिखो? 5 हाँ। इधर क्या लिखो? 4 4। नीचे 9 9। और इधर 9 9, ठीक है। तो अभी थोड़ा एक पूछ लेता हूँ तुमको। 12 के टेबल में 35 आता है क्या ऊपर वाले इसमें? ऐसा कौन सा टेबल है क्या जो दोनों आता है एक साथ एक ही टेबल में? 12 भी आता और 35 भी आता हो? नहीं ना? अरे हाँ कि ना? नहीं ना? अरे इतना क्या सोच रहे, नहीं आता है। तो अभी इधर बताओ 5 लिखा इधर, तो इधर क्या लिखूं मैं? 20 और नीचे 81। ठीक है, तो अभी ये डिवाइड हो सकता है क्या? एक टेबल में आता है क्या 20 और 81? नहीं ना, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये तुम्हारा आंसर फाइनल आंसर है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखो क्या है। हाँ। चलो बोलो, इधर क्या लिखूं मैं? 4 नीचे 11, इधर 2 नीचे 7। ठीक है, देखो 2 के टेबल में ऐसा कुछ नहीं है जो 7 से डिवाइड कर सकूं ना। 11 के टेबल में ऐसा कुछ है कि मतलब दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो पाएंगे क्या? नहीं ना। देखो ना, हम लोग नहीं क्या 6 को और 7 को कट किया था, वैसा कुछ लग रहा है क्या तुमको? हो सकता है, नहीं ना, नहीं होगा ना, तो वही बोल रहा हूँ मैं, बाकी और कुछ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं हो सकता, तो 4 2 जा इधर क्या आएगा? ऊपर 8 और नीचे 77। ठीक है, तो तुम लोग को ये भी समझ में आ गया। चलो अभी नेक्स्ट वाला बताओ। एक बेटा कोई तो आया। हाँ, हेलो। हाँ चलो, यही है ना सम। हाँ, तो इधर क्या लिखूं मैं? 1 इधर क्या लिखूं मैं? 7 नीचे क्या लिखूं? 5 और इधर क्या लिखूं? 2 तभी आगे देखो क्या लिखूं मैं? 1 इधर क्या लिखूं मैं? 7 इधर क्या लिखूं मैं? 5 और इधर क्या लिखूं मैं? 2 तो बोलो आंसर क्या आएगा? 7 1 जा 7, 5 2 जा 7, 10। हाँ, सिद्धि है कि नहीं? तो आगे के 3 सम तुम ट्राई करोगे क्या? हाँ, सिंपल है ना, अभी इतना तो करके बता दिया तुमको, ठीक है। तो आगे के 3 सम कोशिश करो करने का। मैं भी इसकी ट्राई करता हूँ, ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर इसको ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ वेदर क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। इधर क्या होता है? हाँ चलो, देखो क्या दिया इधर। जी हाँ हाँ, स्टार्ट करें। नैतिक आया क्या? नैतिक चालू करो। ओके, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। कौन तो मैसेज कर रहा है? रुको एक मिनट, कौन है वो? हाँ स्टार्ट ना। सिद्धि सर। हाँ बोलो सर, मेरे स्कूल का टाइम हो गया है। क्या करें नैतिक, आप कर पाओगे क्या ये सब? मैं आंसर दे देता हूँ, मांगते तो नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना। आप जाओ सिद्धि जी, मैं इसको एक बार समझ करा के भेज देता हूँ। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ अभी, और मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? आप जाओ मांगते तो। हाँ ठीक है, थैंक्स। हाँ सिद्धि, नैतिक तो रुक, मैं करा देता हूँ, ठीक है? हाँ चलते कभी। इधर क्या बोला पहले वो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देख क्या बोला है। अशोक राव प्लांटेड 2/7 फील्ड, सेम वैसा ही समय जैसा अपन ने लास्ट किया था, है ना? तो 21 एकड़ में विच एरिया द बनाना, उधर क्या किया था वीट, इधर क्या है बनाना, ठीक है? तो अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ जो गिवन है पहला वो लिखा 2/7, इधर जैसा उधर लिखा था, है ना? उधर वीट लिखा था, प्लांटेड बनाना, इधर क्या लिखा वीट। तो ध्यान में रखना है कि बस वही समय 21 एकड़ है, तो हमको कैलकुलेशन तो वैसा ही करना है जैसा उधर किया था। तो इसको कॉपी कर रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद क्या आएगा, एकड़ कितना है मेरे पास 21 में, ऐसा ही लिखेगा ना, ठीक है? तो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ आगे। तो 2/7 के डेवर में 21 आता है क्या, बता सकते हैं क्या मेरे को? ये 7 था 21 आता है ना? हाँ तो बस उधर ही ध्यान दो, उसको नीचे लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा सम है ना तो थोड़ा लेंदी लगने चाहिए, ठीक है? जब सम रहता है ना तो ऐसा करने का, ठीक है? जैसा मैं बता रहा हूँ, बाकी इसमें नहीं किया तो चलेगा, पर सब में थोड़ा ऐसा वर्टिकल वे में लिखते जाने का, ठीक है? तो 7 के टेबल में आता है 3, 7 3 से कितना आता है 21 ना? तो ये दोनों समझो कट किया, तो मेरे पास बचेगा क्या अभी देख, 2 into ये समझ में आया कैसे है इंटू? हाँ 7 को 3 से डिवाइड किया, तो इसको मैंने इसलिए इधर ऐसा लिखा 7 3 से 21, तो 3 इधर बचा मेरे पास, ये आंसर है उसका। 3 कैसे आया है ना, इसको इससे डिवाइड किया तो आ गया, तो बचा क्या मेरे पास 6 एकड़, तो आंसर यही आएगा। तो इधर यही लिखा है कितना एकड़ है 6 एकड़, हेंस द एरिया ऑफ बनाना प्लांटेशन इज 6 एकड़, ठीक है? सिंपल है, इसमें कुछ डाउट है? सेम वैसा ही है अभी, इधर ध्यान दे क्या है 4/9, अभी क्या लिखा है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर, सोल्जर समझता है सिपाही, 49 पोस्टेड इन नॉर्दर्न बॉर्डर, ठीक है? 49 इधर पोस्टेड है नॉर्दर्न बॉर्डर, एंड 1/3 ऑफ देम, 1/3 किधर है नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे, ठीक है? मतलब 1/3 हिस्सा, ठीक है? तो हमारे पास 4/9 है और 1/3 है, ठीक है? इफ द सोल्जर इज नॉर्थ, नॉर्थ में कितने हैं टोटल 5,40,000, ठीक है? तो पोस्टेड ऑन दी नॉर्थ ईस्ट कितने हैं, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब जो इधर गए 1/3 है ना, वो पूछ रहा है ना 1/3 हिस्सा। तो हम लोग इधर क्या लेना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को एक आंसर दिया नहीं हुआ है, ठीक है? इधर वेरिएबल क्या लिया है एक्स, ठीक है? तो टोटल नंबर ये हम लोग अभी तक गिवन ही लिख रहे हैं, ये गिवन है आंसर, इसके बाद जो लिखा है ना द लेट द टोटल नंबर बी सोल्जर बी एक्स, ये हम लोग ने वेरिएबल लिया है क्योंकि हमको पता नहीं है एग्जैक्ट अमाउंट इधर कितना है, इसीलिए, ठीक है? टोटल नंबर, तो नंबर ऑफ सोल्जर पोस्टेड इन नॉर्दर्न बॉर्डर कितना है वो हमको पता है, कितना पोस्टेड इन नॉर्दर्न बॉर्डर में 50, ये है ना नॉर्थ का, तो नॉर्थ का कितना है 5,40,000, तो वही सेम लिखा है इधर, ठीक है? इसके बाद अभी करना क्या है वो देखो क्या है, ठीक है? 4/9 एक्स इक्वल कितना है 5,40,000, हमको गिवन यही है ना, हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है एक्स, तो वही एक्स इधर लिख रहा हूं मैं, ये एक्स से मल्टीप्लाई नहीं है ध्यान में रखना, ठीक है? ये x नहीं है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं है, ये x है, वो ध्यान में रखना, ठीक है। 4/9, देखो अभी देख, इधर देख ध्यान से देख, इधर क्या लिखा है, आर्मी 4/9 है ना, और इसको क्या लिया हम लोग ने टोटल, हमको पता नहीं कितना है, पर 4/9 किधर है, इधर, तो हमको अभी इसको सॉल्व करना है। तो एक हम लोग ने क्या लिया, x लिया है, तो x लिया तो अभी क्या होगा, ध्यान से देख, x को इधर ही रख रहा हूँ मैं, x को इधर ही रख रहा हूँ, तो x इधर ही रखा मैंने, ठीक है, x इधर ही रखा, तो अभी क्या होगा बता सकता है मेरे को, देख 4 ऊपर है और 9 नीचे है, तो उल्टा हो जाएगा, उधर जाएगा ना, इक्वल के ये साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 5,40,000 इंटू ये मैं इधर लिख रहा हूँ, यही सेम लिखता हूँ ताकि समझ में आए, खाली मुझे बता ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, तो ऊपर आएगा मेरा क्या, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, है ना, डिवाइड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड ना, तो यही सेम है, इधर क्या आ जाएगा 9, इधर क्या आ जाएगा 4, ये समझ में आया कि नहीं, बोल जल्दी। है ना, सिंपल, इक्वल के ये साइड था ना, इक्वल के ये साइड गया तो ऊपर नीचे हो जाता ना, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड, बस खाली यही किया है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं अपन क्या करना है, ठीक है, चलेगा। ये x को इधर ही लिखा है, 54 के टेबल में ये आता है क्या, 54, नहीं आता है ना, तो हम लोग को वही चीज ध्यान में रखना है। तो अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ इसको 4 से, तो आंसर बता सकता है, जैसे 4 × 1 = 4 आया, तो बच्चा क्या मेरे पास 14, 4 के टेबल में 14 आता है क्या, नहीं ना, 4 × 3 = 12 आता है, 12 के बाद क्या बचेगा 1, तो इसका डिवीजन में आ सकता है आगे 14, या तो पूरा मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो 4 से, मेरे हिसाब से 4 से डायरेक्ट डिवाइड करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो पहला 4 से डिवाइड कर लेते, तो बता मेरे को आंसर क्या लिखना है मेरे को अभी, फोर वन सा 4 बच्चा क्या मेरे पास 1, तो इधर 14 हो गया ना ऊपर, तो 4 × 3 = 12, 12 आया, बच्चा क्या मेरे पास 2, 4 के टेबल में 20 आता है, 4 × 5 = 20, हाँ, तो बच्चा के मेरे पास 3, 0, 1, 2, 3, ये समझ में आया क्या, डिवाइड मैंने कैसे किया, नहीं आता है तो बता, मैं फिर वो ऐसा करके दिखाऊँ कैसा करते हैं अपन, देख इधर मैं दिखाता हूँ तेरे को, 5,40,000 यही है ना, इतना ही सॉल्व करता हूँ, आगे का 3 0, तो समझ में आ जाएगा। तो इधर ध्यान दे, 4 का टेबल है, 4 × 1 = 4, बच्चा क्या इधर मेरा 1 और 4, ठीक है, फिर 4 × 4 = 16 आता है, तो 4 × 3 = 12, तो 12 आया इधर, तो बच्चा क्या मेरे पास 2, 20, तो 20 बचा, तो 4 × 5 कितना आएगा 20, तो 20 आ गया है ना, तो बाकी का कितना 0 है, वो नीचे ले सकते हैं अपन, समझ गया ना, तो ये आंसर मैं निकाल देता हूँ अभी, ठीक है, तो ध्यान देना। तो इधर मल्टीप्लाई से क्या बचेगा अभी 9, तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 9 0 0 0, 9 0 0 9 0 0, 9 × 5 क्या आएगा 45, तो 5 नीचे 4 ऊपर, ठीक है, 9 × 3 कितना आएगा 21, 21 और प्लस 4 ना 5, इसको भी अलग से करके दिखाओ, जगह पे करने का सीखो, 9 × 5 कितना आता है बोलो 45 है ना, 4 ऊपर, 9 × 5 = 45, 4 ऊपर, 9 × 3 = 27, 28, 29, 30, 31, 32, तो नीचे क्या आएगा इधर 2, 32 की 31, फिर से गिन 27 ना, 28, 29, 30, 31, 32 कितना हम लोग का ऐड करना है 4 ना 26, 28, 29, 30, 31 तो इधर आएगा 31 तो 3 ऊपर गया अभी 9 1 सा 9 प्लस 3 कितना आएगा आंसर 10, 11, 12 तो इधर आएगा मेरा 12 तो ये मेरा आंसर है ठीक है। अभी ये होने के बाद मेरे को टोटल मालूम पड़ा कि मेरे पास टोटल सोल्जर कितने हैं। टोटल सोल्जर 12,15,000 ठीक है। अभी मेरे को क्या निकालना है कि मैंने ईस्टर्न बॉर्डर में कितने पोस्ट किए तो मेरे को सेम वही चीज करना है जैसा इधर किया था ठीक है। तो इसको जैसा इधर लिखा है 1/3 किसका इसका है ना तो मैं इसको इधर ही लिख लेता हूं। वन थर्ड क्योंकि क्वेश्चन में लिखा ना 1/3 तो वही ले रहे हैं हम लोग 1/3 ठीक है। तो 1/3 किसका करना है हम लोग को इसका। अगर इसको अभी 3 से डिवाइड कर सकते तो आंसर तुरंत आ जाएगा। 3 से डिवाइड हो सकता है क्या बताओ मेरे को। कौन आ रहा है? Yes, हो सकता है ना तो ट्राई करें। डायरेक्ट इधर से आगे आगे जाने का जरूरत ही नहीं ना, इसमें ही कर देते फटाफट सॉल्व। चलो देख 3 0 0 तो गायब हो गया, 0 सेम ही आएगा तो 0 सेम लिखा ठीक है। डिवाइड कर रहे हैं अपन ना 3 4 12 इसमें कुछ डाउट है no. हाँ अभी देख 1 है, 1 से डिवाइड होने वाला है क्या नहीं तो उधर क्या डालेंगे 0 ठीक है। मेरे पास क्या बचा 5 आ गया तो 3 5 सा 15 तो इधर 5 आएगा 3 5 सा 15 बाकी का बचा क्या कुछ नहीं, बाकी का 3 0 सेम का सेम तो मेरा ये आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ ये क्या 4,05,000 मेरा क्या है नॉर्दर्न बॉर्डर। तो यही मेरे को इतना आंसर लिखना है नीचे का तो नहीं। हाँ चलो ठीक है समझ में आ गया इतना। तो इसका पीडीएफ भेज दूंगा तो बाकी और ध्यान से कर लेना ठीक है। चलो बाय। I hope you like the video. Subscribe the button, press the bell icon, like, comment, share. Subscribe the button, press the bell icon, like, comment, share.